कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में अब सिर्फ मुगलाई रेस्टोरेंट का ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग कारोबारों का भी हब बनता जा रहा है। नए नए एंटरप्राइजों की भी स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ने वाला है शिवानी मेंस बुटीक का। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर ब्रिज के पास साइका होटल के जस्ट ऑपोजिट और गोल्डन आफरीन होटल के नीचे शिवानी मेंस बुटीक की ओपनिंग हुई, जिसका इनॉग्रेशन टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा ने किया। इस मौके पर टीएमसी नेता सिकंदर नाथ समेत कई सियासी और सामाजिक कारकुन भी मौजूद थे। सभी ने शिवानी मेंस बुटीक की तरक्की और बेहतरी की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पे शिवानी मेंस बुटीक के पार्टनर इंतखाब आलम ने कहा कि जाननगर रोड में इनका पहला शोरूम इंतखाब कलेक्शन पिछले कई साल से कामयाबी से चल रहा है। इन्हें उम्मीद है कि लोग शिवानी मेंस बुटीक को भी उतना ही प्यार देंगे। इंतखाब आलम ने कहा कि शिवानी मेंस बुटीक में एक मर्द के कपड़ों के फैशन की हर चीज आपको अवेलेबल मिलेगी। अब पार्क सर्कस के लोगों को शादी के मौके पर दूल्हे की जरूरत की चीजों की शॉपिंग करने के लिए शहर के अलग अलग मार्केट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शिवानी मेंस बुटीक में शेरवानी, सूट, पगड़ी से लेकर दूल्हे की हर एक चीज अवेलेबल है। शिवानी मेंस बुटीक मर्दों की शॉपिंग के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके साथ ही इनके यहाँ सिलाई का भी इंतजाम है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कि शिवानी मेंस बुटीक के बारे में इसके मालिकों ने क्या कहा। शुभकामना तो थकबे আমাকে ডেকেছে যখন, আমি আর ভালোই চাইব। আমার মনে হচ্ছে দোকান যেভাবে সাজিয়েছে, যা আইটেম রেখে চলবে। এখানে কে বলছিল যে এখানে ট্রাফিক জ্যামের জায়গাও প্রবলেম, ট্রাফিক জ্যামেই তো লোক দেখবে, লোক কিনতে আসবে যখন, যে কোনোভাবে এসে ঢুকে যাবে এখানে, তাহলে আর ট্রাফিক কি হবে, চলবে, ভালো চলবে। শেরওয়ানি তো আমার এই ইমালি শেরওয়ানি। देखिए अभी तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज गेन करेंगे। इनके साथ हर जगह जा रहे हैं, मार्केट वगैरह हर जगह, तो और नॉलेज होगा तो सीखेंगे, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये बिजनेस करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, क्लास 11th में। कंटिन्यू जी जी जी। तो अभी तक क्या क्या सीखा, ज़रा तफ़सील से बताएं। अभी तो शुरू किया है जी, अभी तक उतना नहीं। अभी तक अंकल के साथ घूम रहे हैं मार्केट में, अलग अलग कपड़ा देख रहे हैं बस, और पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। देखिए ये जितना हम लोग मेहनत किए, परेशानी होना तो नहीं चाहिए, आगे अच्छा और अच्छा ही होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। और अगर ऐसे ही चलते रहा तो इंशाल्लाह एक दो और फ्रेंचाइजी निकलेगा जी। हम तो बोलेंगे एक बार आइए ठीक है, और देखिए यहाँ पे पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, पहले एक बार आके देखिए, और हम लोग कोशिश करेंगे आपका फेवरेट चीज़ मिल जाए, आगे पसंद का चीज़ मिले। स्पेशली जो डिस्काउंट होती है वो डिस्काउंट कोई मायने नहीं रखता है, और रहा सवाल जो फैब्रिक पसंद वाला आइटम हो वो कस्टमरों को मिल जाए, ये एक मायने रखता है। और डिस्काउंट से क्या होता है, मैं 50 रुपये का सामान 100 रुपये बता दूँ, फिर 50 रुपये में दे दूँ, इससे कुछ मतलब नहीं बनता है। डिस्काउंट तो एक मायने रखता है, मतलब प्राइस वाजिब रखे, प्राइस हमारा वाजिब रहेगा और वाजिब है भी, और कलेक्शन हमारा वो रहेगा जो लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से इंतखाब कलेक्शन को आप लोग प्यार देते हुए आ रहे हैं 2010 से, और इसी प्यार को बढ़ाते हुए हम लोग एक ऐसा दुकान जो सोचा है जहाँ पर हर तरह के लोग आएँ और पूरी सहूलत मिले उनको, हर तरह का कलेक्शन देखने को मिले, मल्टी ब्रांड हमारे पास में है। और इस सोच को रखते हुए हम लोग 4 नंबर ब्रिज के पास में एक शोरूम किए हैं, शिवानी मेंस बुटीक। पहला शॉप हमारा इंतखाब कलेक्शन के नाम से जाननगर रोड में है, और इंशाल्लाह और आगे भी रहेगी, लेकिन ये दूसरी ब्रांच में शिवानी मेंस बुटीक के नाम से 4 नंबर ब्रिज के पास में किया हूँ। देखिए कस्टमरों को जो अच्छा लग जाए वो बहुत अच्छा है, जो मैं अपने से लाता हूँ उसको बेचने के लिए पसंद ना आए तो वो अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को मैं ख्याल रखते हुए ये सोच रहा हूँ कि जो कलेक्शन मेरे पास मिलेगी इस इलाके में, उम्मीद है कि इस इलाके को लोगों को पसंद भी आएगी, और इन सारी कलेक्शन को देखते हुए ऐसा है कि लोग पसंद भी करेंगे, लोग चाहत भी रखेंगे। मेंस बुटीक उसको कहते हैं हम लोग जो मेंस के लिए टोटल कलेक्शन होती है एथनिक के ऊपर, यानी शेरवानी हो, कोट पैंट हो, उसके अंदर फैब्रिक के अंदर में वो हैंड वर्क के हो, मशीन वर्क के हो, ये सारे कर वर्क के होते हैं, उसको हम लोग मेंस बुटीक कहते हैं। तो बुटीक का मतलब ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो भी एथनिक कपड़ा लोग लेते हैं, वो चाहे वो खुद पहनने के लिए हो या शादी के लिए, दूल्हे के लिए हो, वो हमारे पास में मिलेगा। लेकिन ये मेंस बुटीक, शिवानी मेंस बुटीक जो मैं रखा हूँ नाम,
इसमें हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि जो जिनके घर में भी शादी है, हर लड़का को ज़रूरत होता है कि एक लड़के के लिए कोट पैंट हो या एक शेरवानी हो, उनको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं स्पेशलिस्ट कोट पैंट और शेरवानी के लिए हूँ, लेकिन उसमें जो ग्रूम्स होते हैं शादी के लिए, उनके लिए सारा कुछ हमारे पास में जूता है, पगड़ी है, शेरवानी है, चूड़ीदार है, ब्रोच है, एंटी एडीसी जो भी है, अंडर गारमेंट्स है, ये सारा कुछ हमारे शेरवानी मेंस बुटीक में मिलेगा। स्पेशलिस्ट हमारा यही है, कस्टमाइज्ड रेडीमेड शेरवानी तो रखते हैं और ब्लेज़र वगैरह भी हम लोग रखते हैं, लेकिन कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमरों की जो ऑर्डर होती है फैब्रिक को देखते हुए, वो सारी फैब्रिक को मेरे पास में मिलेगी और उसमें हमारा जो हैंडवर्क चाहिए तो हैंडवर्क भी कर देंगे, स्टिचिंग चाहिए तो स्टिचिंग भी कर देंगे। कस्टमर देखिए, पार्किंग एक ऐसा जगह है कि अगर कुछ गाड़ी आती है तो उसको हम लोग अपने दुकान के सामने पार्किंग करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पार्किंग के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हर जगह गाड़ी लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। पार्किंग हमारा दुकान के जैसे सामने लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। स्टिचिंग हमारा डिपार्ट है मेंस बुटीक में, मैं सारा सहूलत रखा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, फैब्रिक भी है और हैंडवर्क वगैरह भी हो जाएगा। सिलाई के लिए हमारे पास खुद का एक मास्टर है, खुद का हमारा कारखाना है, ये हमारे यहाँ सिलाई भी होगी, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी मेंस हो, मेंस के लिए टोटली आइटम हमारे पास में मिलेगा। क्या लगता है कि बिजनेस तो उम्मीद पे ही चलती है। और रहा सवाल शिवानी मेंस बुटीक, जो मैं यहाँ नाम दिया हूँ, एक्चुअली हम लोग यहाँ सिवान के, इसलिए मैंने शिवानी नाम दिया है, और मैं और मेरे भाई अयान भाई दोनों मिलकर, तो शिवानी मेंस बुटीक ये हमारा कॉन्सेप्ट है। रहा सवाल यहाँ पर जो चलता है, ये टारगेट है, बिजनेस चलेगा, बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाती है, मेरी बिजनेस फेल भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, एक टारगेट हमारा चल सकता है, उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, जो शिवानी मेंस बुटीक के नाम जानते हैं या जानेंगे, वो मेरे पास आएँ, एक बार आएँ, ज़रूर आएँ, और उम्मीद करता हूँ उनकी पसंद की चीज़ मैं दूँगा। और एड्रेस हमारा 4 नंबर ब्रिज जो पार्क सर्कस के अंदर में मौजूद है, और गोल्डन आफरीन होटल के नीचे में, जस्ट नीचे में, अपोजिट साइड साइका रेस्टोरेंट के सामने। सबसे पहली बात यह है कि मुझे खुशी इस बात से हुई, इनविटेशन तो बहुत पहले मेरा दोस्त शकील हाशमी, ये हाशमी घराना है, हाशमी ख़ानदान है, भैया है सफ़ीर भैया, और भी बड़े भैया लोग कुछ बाहर में हैं, कुछ मैंने शब्बीर भैया गांव पर हैं, और इस ख़ानदान से मेरा 1990 से ताल्लुकात है मेरा, शकील दोस्त है, और शकील से ताल्लुकात बढ़ते बढ़ते पूरे ख़ानदान से रिश्ता मेरा जुड़ गया। और ये शकील का लड़का है अयान, तो खुशी इस बात की हुई कि चलिए एक रूट मैं बदलता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम लोग मैंने गल्फ कंट्री से जुड़े हुए हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ साथ इस रवायत को से हट कर और नए तौर पर ये जो आप देख रहे हैं बुटुंग का जो आज इनोग्रेशन हुआ, तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि चलिए कम से कम एक मैंने 2 पीढ़ी तो सिस्टम से चला, पहला पीढ़ी फॉरेन से चला, दूसरा गल्फ से चला, और दूसरा पीढ़ी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से चला, लेकिन ये थर्ड जनरेशन जो है, साथ में इंतकाब भाई भी हैं शामिल इसमें, पार्टनरशिप में है, तो ये थर्ड जनरेशन एक नए दिशा को देखते हुए अब नई बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी दुआ होगी कि अल्लाह पाक परवरदिगार इस बिजनेस में इन लोगों को कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि मैं दुआओं के सिवा और क्या दे सकता हूँ, कि बस दुआओं के सिवा सिकंदर क्या सौगात दे, बस दुआओं के सिवा सिकंदर क्या सौगात दे, कहते हैं लोग दुआओं में बड़ी तासीर होती है। देखिए कमरट्टी की जहाँ तक बात आती है, तो कमरट्टी में आप लोग तो गए हुए हैं, आप देखे हैं बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ, रेडीमेड गारमेंट्स का भी है, ये आपको शूटिंग सेटिंग का भी है, तो बहुत सारे दुकान हैं, और अभी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने शौक के मुताबिक लोग करते ही जा रहे हैं। अभी 2-3 दुकान अभी अब मेरे ऑफिस की तरफ जब इन करोगे दाहिना साइड में, अभी एक जो है रेडीमेड
दुकान का उद्घाटन हुआ है। और कमरट्टी बिजनेस के मामले में देखिए, कमरट्टी पीछे है नहीं, और वहाँ हर दौर में कुछ न कुछ नया होता ही रहता है। और चूंकि वहाँ भी एक मामला था ना कि तमाम लोग जूट मिल से जुड़े हुए थे, लेकिन आज जूट मिल पर ही डिपेंडेबल हुआ करते थे, लेकिन आज जो है, आज सिर्फ जूट मिल पर डिपेंडेबल नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग भी तजारत कर रहे हैं, बिजनेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे जितने भी ताल्लुकात के लोग हैं और आपके चैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं और जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपके इलाके में एक शानदार दुकान का इफ्तिताह हुआ है, और चूंकि लोग दूर दराज जाते हैं ख़रीदारी के लिए, तो एक मौका ये जो हमारे तमाम बच्चे हैं सबों ने मिलकर जो ये दुकान खोली है, तो एक बार इन्हें भी खिदमत करने का मौका दीजिए, आइए। और आपके इत्मीनान के लिए तो मैं अपनी तरफ से 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि यहां पर तमाम बाशऊर वेल क्वालिफाइड पर्सनस हैं जो सेल्स में हैं, तो आपके इस्तकबाल की ज़िम्मेदारी और आप को इत्मीनान पहुंचाने तक की गारंटी मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। तो आप कोशिश कीजिए कि नन्ना सा पौधा बढ़कर एक तनावर दरख्त हो जाए।